सियासी गेम होनी कि तुम यूनियन कौंसल या वाडा चेंज करके यूनियन कौंसल ने ग्रां चेंज करके डालने तहसील चेंज करके नवे सिरे तो एक नवी गेम बना दो कि और उसी अपने जहन बंदे रख के बना दो बड़ी ये तुकी इस्तीफा ने यूनियन कौंसल बनाई उतरे और नवी यूनियन कौंसल जी बन सी कच्ची बढ़ सी क्या वो पिछड़न बढ़ सी क्या वो रेटी बढ़ सी इस टॉपिक की जरा लंबा टॉपिक थी मैं इसको पहले बार थोड़ा गया आजकल जो है बर्निंग जैसी सियासी लोग हैं वहाँ से शादी रमी लोगों ओपन जो माहौल रखने हैं अजकल जो सब तो बड़े सवाल की मैं क्या होगी पंजाबी बड़ी यूनियन कौंसल आना तो मैं सब तो पहले तो ये सुनूंगा कि दरवाजा खुला कहा ना और ये बड़ा बर्निंग टॉपिक बन गया बर्निंग इशू है इसके लिए कानून साजी हुई तो मैं इसकी भी मजाक करे सब टेक्निकली के प्रॉब्लम है लेकिन मैं उसके आने से पहले किसी कानून साजी हुई बिना ये भी कानून साजी उन गलत बहुत सारिया हकायक मौके पर चेंज कर दीते उन्होंने आबादी ने तनासब और हर्षण चेंज कर दी लेकिन मैं आपका तजर्बा सियासत में एक बहुत लंबे अरसे में थे अब पता कि अफसर शाही जो मर्जी आदमी जब सियासी हल्का बंदियाँ आपकी मर्जी ना कर सकता और आपकी मर्जी ना हल्का बंदियाँ कितिया बुनियादी तौर पर होना ही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर हल्के में जो सियासी होने हैं उन्हें फीडबैक देने और मुतल पार्टी ने हिसाब ला देने जी पार्टियाँ उन्होंने बरसरे इकदार होव सो जी आपके हल्के में ताल्लुक है जो मैं समझना कि बड़ी ये तुकी की इस्तीफा ने जो कौशल बनाई और उसने बिच मैंने एलो में चल कि मैंने ओपीनियन भी है कि जी इस वक्त जो बस इकदार पार्टी है वे काफ़ी गल है जिन्हें इस वक्त पंजाब में हुकूमत भी है मैं समझना तो बड़ी वीक विकेट टाइप है और वीक फुटिंग तक होते हैं और ये सियासी गेम होनी कि तुम यूनियन कौंसल या वाडा चेंज करके यूनियन कौंसल ने ग्रां चेंज करके डालने तहसील चेंज करके नवे सिरे तो एक नवी गेम बना दो कि और उसी अपने जहन बंदे रख के बना दो मैं बड़े गौर न यूनियन कौंसल भी उन्होंने बनाई मैं तकिया किसी बेपनाह प्रॉब्लम्स हैं इस जिस तरीके ग्रामा तकसीम किया गया और जनादियाँ तकसीम किया गया ना सड़क ने हिसाब रखा गया ना फासले ने हिसाब रखा गया ना ही पिछले अतवार ने बिच जी सबबंदी सामने रखा गया बल्कि बिल्कुल ही नवी सबबंदियाँ जिनके सामने आए और उसने ना जो प्रॉब्लम्स बहुत सब इलेक्शन में कोई फिक्र नहीं असरा हर इलाके में बिच हर ग्राइने बिच असा कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम जी भी हुई इंशाल्लाह से भरपूर तरीके बल्दियात ने इलेक्शन लड़सा और भरपूर तरीके इलेक्शन में कामयाबी दसा उस कोई शक नहीं है और तुम तक भी दसो जिमें असाई चमड़ा ने दर्शन किया कुछ लोग हैरान हुए मैं बिल्कुल ना हैरान होया अगर इस तो कम हो गया तो मैं समझा कि मेरी मेहनत जी त्रे चार साल में वो रायदान चली गई इस तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ असा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये बुनियादी तौर पर गलत है एक तो छाटला बस उसने छाटला और नकियाँ इकट्ठा कर देता है तो जिस यूनियन कौंसल ने ना क्यों यार हर जगह पर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट की मतलब वाल और पीड़िया इकट्ठा करता जो कदे भी इस तरह इलेक्शन जिते नहीं होया गया और बेपनाह तब्दीली आईया तुम लेटी और पिछड़ा इकट्ठा कर दिता उतरे और नवी यूनियन कौंसल जी बन सी कच्ची बढ़ सी क्या वो पिछड़न बढ़ सी क्या वो लेटी बढ़ सी या और बेपनाह
प्रॉब्लम्स जड़ी हैं हम सामने आनी पे कुछ रूरल लाभे धंधे ना इकट्ठा कर दिता हमें पास वैसे में किस तरह डिजाइन हो सकती तो बहुत सारे इशूज हैं हम सामने आ सन और आए चुनते हैं सब तो बढ़ती जो इशू है अभी वही है देखो हर बंदा आखना इलेक्शन कमीशन समेत क्योंकि बलदियाती सिस्टम ने बगैर आम बंदे नहीं और इलाके नहीं डेवलपमेंट रूरल एरियाज नहीं और अर्बन सेंटर्स नहीं डेवलपमेंट नहीं हो सकती जहाँ तीन लोकल बॉडी सिस्टम जोड़ा है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरक ना हो इस तो रोज़ रोज़ चेंजिंग नहीं होनी चाहिए एक बार चेंजिंग हो गए वो मुदल्ल नक्शे से हो गए वो लोग कॉन्फिडेंस गिनती की वे सरदार साहब माफी चाहना इलेक्शन कमीशन प्रभाव भी रहता है या इंडिपेंडेंट इदारा या प्रोविंशल असेंबली या प्रोविंशल जो नॉन असेंबली इन्फ्लुएंस इसके कड़ा असर है इलेक्शन कमीशन क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है ऑटोनमस बॉडी है तो इन जितनी सूबे ना डील करी नहीं इतनी मरकज ना डील करी ये ऑटोनमस बॉडी है और क्योंकि यूनियन काउंसिल की मालूमात जड़िया होनी डिस्ट्रिक्ट की मालूमात जो इस जिले को इस सूबे को होनी इस तो इन मालूमात जड़ियाँ इन सूबे को सदी हैं आप इलेक्शन कमीशन बह के 4,450 यूनियन काउंसिल बढ़ सकते मुमकिन है उसके तले गलत फिक्र बैठ को कोई नहीं है तो आप बह के इतनी बड़ी तकसीम नहीं कर सकते तो ये मालूमात जी है वे सूबे तो की वैसे और सूबे में स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही होना कि सूबे जिला वाइज तले इंतजामिया को गिने ब्यूरोक्रेसी को गिने और स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होना वही होना कि ब्यूरोक्रेसी अपने तैयार ही फैसले नहीं करेगी वो तले जड़ियाँ सियासी पार्टियाँ होनी जो बरसर इकतदार पार्टियाँ होंगे उन्होंने को गिने सो अगर कोई आके भाई अड्डे हल्के ने जी तकसीम हुई हुई उसके अंदर काफ लीग नहीं हिस्सा नहीं है वे तो बिल्कुल गलत जानता है मैं अपने तजर्बे नाल भी अपने विजडम नाल भी अपनी मालूमात नाल भी ये ऑफिशियली गल पे करेगा कि इसके बिच काफ लीग ना जी इतने बरसरे इकतदार पार्टी है उसका बहुत बड़ा किरदार हो सकता लेकिन ये गल अपनी जगह से और मैं समझना कि उन्होंने इलेक्शन ने हारा ने प्रेशर ने बेच उन्हें इतनी वड़िया रदो बदल किया कि हाशिया डिस्टर्ब करके शायद उन्होंने इलेक्शन बढ़ वजे और उससे जवाब ही मैं सब पहले ही दस दिता कि आई एम कॉन्फिडेंट कि जितनी अड़ी मेहनत है वे जो ताल्लुक है वे ग्राम बाय ग्राम बिरादरी बाय बिरादरी ढोक बाय ढोक मां यकीन है वे इंशाल्लाह कि ऐसी बलदियाती इलेक्शन ने बेच जी भी पैनल असं सामने अंसल उन्हें भरपूर कामयाबी हो सी की आखने बाद मैं वापस इस गल से आना चाहना कि इन जी यूनियन काउंसिल बनाई गई इन बड़िया बेतुकियाँ और इन ग्राउंड हकायक तो बाला होकर बनाई गई इस लोग फायदा घट और नुकसान ज्यादा हो सी और बल्दियात में निज़ाम की बुनियादी चीज़ ही है वे उस लोगों ने खिदमत और लोगों ने जोड़े मसायल है वह हल करने की कपैसिटी हो गई जिस तरीके इन्हें यूनियन काउंसिल रिजाइनिंग है वे उस चीज़ा ना आ सकें मैं इस तो भी वाक्य गल करना चाहना कि अगर तुम तो सिस्टम इलेक्शन कमीशन ही सिस्टम बनाना पाया या हुकूमत सूबाई हुकूमत ही बनानी पा तो उन्हें मुस्तकबिल ही तकना चाहिए और मुस्तकबिल तक आजाई है वे कि तुम यूनियन काउंसिल जीडिया उन्हें परमानेंट बेसिस से फाइनल करो ता जे उसके अंदर ही इलेक्शन हो इंज नहीं भाई एक बंदे ने एक यूनियन काउंसिल बुरी परफॉर्मेंस आई और वो कहें सियासी नाम मिल के अपनी यूनियन काउंसिल बदला के दोबारा गलत परफॉर्मेंस करे या आवाम में मसाइल जड़े हैं उन्होंने एक रुख बन चुका है एक यूनियन काउंसिल ने अंदर चौथे दाड़ी वो बदल देता बनजे ये जड़िया सड़क गलिया सड़क और कम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल दरमियान होनी उसको साफ बदला दो दिस इज नो वे इस तरीके जड़े बलदियाती लोगों ने जड़े असल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स जड़े हैं उन हल न हो सक बल्कि उन प्रॉब्लम इसी तरीके बदले वैसे जिस तरीके तब्दीलियाँ करने वैसे सो मैं
ਬਟ ਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਨਾ ਅਸੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਪੇ ਕਰੇਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਫਸਲ ਪੈਨਲ ਬਣਨ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਵਜਨ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਅਹਿਮਨ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਨ ਅਤਵਾਰ ਅਹਿਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਵਜੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਲਿਫ ਬੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਦੇ ਮੁਕਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੰਸਿਡਰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਰ ਕੰਸਿਡਰਡ ਵਿਊ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਈਆਂ ਬਿਲਖਸੂਸ NA-59 ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਬੂਰ